बात कर रही है अपने पार्टी के लोगों से, उसी के चलते एक जो जम्मू के जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, आए उनसे भी बातचीत करते हैं और जाते हैं। उनसे हमारा क्लियर कट मैसेज है कि आप जम्मू के लोगों की तरफ ध्यान दें, ना कि कश्मीर के बारे में सोचते रहे। जम्मू के लोगों का ऊपर ध्यान दें जिन्होंने भारी जन समर्थन आपको दिया और 25 सीटें दी थी आपको। आने वाले समय में फिर इलेक्शन होंगे और आप लोगों के घरों में ताकते नजर आओगे। अगर इसी प्रकार से रहा तो लोग आपको घरों के दरवाजे से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। जम्मू एक जो पार्टी नहीं बैठी हुई है, जब भी एजेंडा सच हुआ था तो हमेशा जैसे पहले
से इस पूरे मीटिंग का खंडन करते हैं, उनको दरकिनार करते हैं और आपकी पिछले सवाल कैसे मांग सकते हैं कश्मीर को, ये पार्टी है इनका डिक्टेशन है, कितने जगह के बारे में सोचा है आज ही किसी भी क्षेत्र में देखेंगे चाहे वो लोग ये करते हो चाहे वो लैंड ग्राब की तरह से यहाँ पे आए हो, जम्मू के हेरिटेज होता है आज तक हमने चाहे जम्मू के लोगों को साल से जो है वो मांग जो है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब से ये 1970 में बड़े कानून लाए हुए हैं उनकी तो जो है जो पहले बट जम्मू का युवा जो है इसका पूरी तरह खंडन करता है लेते थे हम और जब से जम्मू चाइना से बना हुआ है और चाइना का मांग करते हैं जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए और कश्मीर को दो यूपी में बांट देना चाहिए, एक यूपी यहाँ पे हमारे जम्मू के लोगों को वोट हो गया, जम्मू के लोग यहाँ आ रहे को जम्मे मारने के लिए बिल्कुल बात की है, हमारे स्टेशन पूरी तरह से मेन जो वहाँ के लोग थे बछीले थे उनको बसाया जाए और रेस्ट ऑफ जो कश्मीर है वो वहाँ के मुस्लिम लोगों को जो दिया जाए, इस तरह का ये राष्ट्र का एजेंडा होता तो कतर वक्त बनाई गई थी टाइट हो एंट्री से तो वो कानून तब कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर ना ही करे तो ठीक है, क्योंकि वो लोग हैं जो यहाँ पे आकर भी बात करते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है कमरे बातें हो रही है, तो मैं आपको याद दिला दूँ मैं पढ़ी गई है पिछले 2018 में जो बॉर्डर निकाला था कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश कोई भी लैंड पे आके कब्जा करते हैं यहाँ पे गोवा इसको बोले गौ माता